दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्नो अर्शद चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो अर्शद। मैं कौन हूँ, मैं हूँ अर्शद, और आज के दिन हम जानने वाले स्टॉक एंड्रॉइड क्या है और एक कस्टम एंड्रॉइड क्या है। तो स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम एंड्रॉइड के बारे में डिफरेंस भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि स्टॉक एंड्रॉइड क्या है और ये कस्टम एंड्रॉइड क्या है। तो जिन लोग को पता नहीं है मैं आप सबको बता दूँ, जो स्टॉक एंड्रॉइड है और एक कस्टम एंड्रॉइड है, ये कस्टम रोम या कस्टम रोम बोले या स्टॉक रोम भी बोले, जो भी बोला मुझसे, ये जो स्टॉक एंड्रॉइड या स्टॉक रोम है, ये जो स्टॉक एंड्रॉयड है, ये एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको कंपनी से मिलते हैं। कंपनी से आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है उसे कहते हैं हम स्टॉक एंड्रॉयड। और स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है, अगर मान लीजिए आपका वर्शन अभी किटकैट का 4.4, अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं एंड्रॉयड के लॉलीपॉप पर या एंड्रॉयड के न्यूगेट पर या एंड्रॉयड के ओरियो पर, तो वो जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो कंपनी जब आपको फ़ोन पर अपडेट देगा कि हाँ अभी टाइम है आपके फ़ोन को अपडेट कर लीजिए लॉलीपॉप पर या नोगट पर या मतलब मार्शमेलो पर, जो जिस पर आपको अपडेट करना है, जब कंपनी जब आपको बोलेगा कि हाँ ये अभी समय है, अभी अपडेट कर लो, अपडेट करने से आपका अच्छा होगा, तो तब आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं। आपका किटकैट से लॉलीपॉप कर सकते हैं, मार्शमेलो कर सकते हैं, न्यूगट कर सकते हैं, ओरियो कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं, जो भी हो कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम स्टॉक एंड्रॉयड। स्टॉक एंड्रॉयड जो कंपनी से हमें जो एंड्रॉयड मिलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंपनी से मिलता है, उससे हम कहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड या स्टॉक रोम। अब बात करते हैं कस्टम रोम या कस्टम एंड्रॉयड के बारे में। ये जो कस्टम एंड्रॉयड है, ये कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मान लीजिए मैं चाहूँ तो मैं एक मतलब अपने जो किटकैट का लोगो है, मैं उस पर मैं आपका अपना फ़ोटो दे सकता हूँ, सारी उसके टेक्स्ट को मतलब बदल सकता हूँ, फॉन्ट्स को भी बदल सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि ये कोडिंग पूरी तरह से मुझे पता है, कोडिंग कैसे करना है, उसका कैसे उसको बदलना है, कोडिंग कैसे करना है, पूरी तरह से मुझे एक नॉलेज है जो थर्ड पार्टी डेवलपर से, तो थर्ड पार्टी डेवलपर से वो भी इस सिस्टम कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को करते हैं। तो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि जो कस्टमाइज़ कर देते हैं, मतलब अगर ये एंड्रॉयड का 4.4 है, अगर मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ लॉलीपॉप पर, मैं कर सकता हूँ, पर उसका कोई भी गारंटी नहीं है कि क्योंकि उसे किसी डेवलपर्स ने उसे किया है, कोई कंपनी ने नहीं किया। पूरी तरह से आप उस कंपनी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उस बार आपका जो वारंटी आपका फ़ोन का पूरी तरह से एकदम से चला जाएगा। तो ये जो कस्टम रोम है, कस्टमाइज़ किया जाता है। कस्टमाइज़ का मतलब, अगर आपका अभी एंड्रॉयड का 4.4 मतलब किटकैट है, अब मैं उस किटकैट के जगह में अपना फ़ोटो लगा सकता हूँ, फॉन्ट्स को बदल सकता हूँ, मतलब थीम्स को बदल सकता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं खुद से खुद का उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं कस्टम एंड्रॉयड या कस्टम रोम। अब तो आप पूरी तरह से एकदम से समझ गए हैं ये कस्टम रोम क्या है और स्टॉक रोम क्या है, और अब बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस की। तो सबसे पहले स्टॉक रोम पर आपको जो रोम मिलता है, या स्टॉक एंड्रॉयड बोले, तो ये पूरी तरह से एकदम से ओरिजिनल मिलता है आपको, कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता, मतलब ओरिजिनल मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओरिजिनल ऐप्स है, ओरिजिनल सब कुछ ओरिजिनल है, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक रोम। और जो दूसरी तरफ से जो कस्टम रोम है या कस्टम एंड्रॉयड है, वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलता और डुप्लीकेट हो सकता है, फेक भी हो सकता है, कुछ नहीं मतलब हम पता कर सकते हैं। कस्टम रोम का पूरी तरह से एकदम से डुप्लीकेट हो सकता है, एकदम से थर्ड पार्टी या कुछ भी हो सकता है, एकदम से ओरिजिनल नहीं होगा। पर जो स्टॉक रोम है वो पूरी तरह से एकदम से ओरिजिनल मिलेगा आपको। उसके बाद करते हैं इसकी वारंटी की। ऑफकोर्स आपको बेसिकली आपको मालूम है, कंपनी से कोई भी चीज़ आया तो आपको वारंटी आपको ज़रूर से मिलेगा। तो स्टॉक रोम कंपनी से आता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक रोम पर आपको वारंटी मिलेगा, पर कस्टम रोम पर आपको कोई वारंटी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे एकदम से कस्टमाइज़ किया जा चुका है, हाथ है उससे निकल जा चुका है, मतलब कंपनी से दूर चला जा चुका है, तो इसका मतलब उसका कोई भी वारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता आप खुद अपने आप का जिम्मेदार है। उसके बाद करते हैं इसकी बग या एरर की। अगर कस्टम रोम या कस्टम एंड्रॉयड पर अगर बग हो या एरर है, तो कंपनी उसे ठीक कर देती है। आता नहीं है तो, पर एक बाई चांस आ गया तो क्या होगा कि जो कंपनी होगा वो कंपनी उसको मतलब ठीक कर देंगे, आपका कुछ अपडेट दे देंगे, उससे क्या होगा आपका जो बग या एरर हो पूरी तरह एकदम से कंपनी से ठीक कर दे देंगे। जो कस्टम रोम है उस पर आपको बग या एरर हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमाइज़ किया जा चुका है, मतलब पूरी तरह से सब कुछ बदल दिया चुका है, ओरिजिनल सब उस फेक कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया जा चुका है,
तो उससे क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल है पूरी तरह एकदम से तो गया, और उसका जो मतलब आपका जो मिलेगा बग एरर ज़रूर से आते रहेंगे, और आपका जो जो ऐप्स होंगे कुछ भी होंगे ऑटोमेटिकली बंद होते रहेंगे। तो कस्टम रोम का आपको कुछ मतलब बग एरर हमेशा आते रहेंगे, पर स्टॉक रोम पर आपको कभी बग एरर नहीं आएंगे। उसके बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी की, आपको स्टॉक रोम पर आपको सिक्योरिटी पूरी तरह से बहुत अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा जो कंपनी की तरफ से आता है, तो सिक्योरिटी मिलेगा आपका। कोई भी ऐप से फाइल्स पूरी तरह से लीक नहीं हो सकता, स्पाइक नहीं कर दिया जा सकता, ऐसा आपको स्टॉक रोम पर मिलेगा। एकदम से सिक्योरिटी का पूरी तरह से एकदम से टस्ट है, और कस्टम रोम पर आपको पूरी तरह से एकदम का सिक्योरिटी का टस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरी तरह से एकदम से मतलब बदल लिया जा चुका है। तब क्या उससे क्या सिक्योरिटी है, क्या आप उससे उम्मीद करें। तो उसके बाद करते हैं इसके, आपको स्टॉक रोम पर आप पूरी तरह से किसी भी इनबिल्ट एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर पाते। किसी भी इनबिल्ट एप्लीकेशन को अपने स्टॉक रोम पर आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, और कस्टम रोम पर आसानी से आप उन सबको इनबिल्ट ऐप्स को आसानी से आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद करते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की, तब का जो डिस्प्ले है पूरी तरह से आपको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे स्टॉक रोम पर, क्योंकि स्टॉक रोम पर आप कस्टमाइज इसलिए नहीं कर पाएंगे जो कंपनी आपको देंगी उसी चीज़ों को आपने अपने फ़ोन पर यूज़ करना होगा स्टॉक एंड्रॉइड पर या स्टॉक रोम पर। और कस्टमाइज रोम जो होगा कस्टम रोम पर आपको मिलेगा, आप आसानी से अपने फोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेफ या नहीं। मैं अपने खुद का रिकमेंडेशन बोलूँ तो जो स्टॉक रोम है पूरी तरह एकदम से सेफ है, पूरा तरह से सेफ है, और जो कस्टमाइज रोम है वो ब्रिक्स हो सकता है, डेड भी हो सकता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह एकदम से बर्बाद भी हो सकता है। तो कुछ यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच स्टॉक रोम या कस्टम रोम के ऊपर। और मैं अपना खुद का रिकमेंडेशन बताऊँ तो आप स्टॉक रोम वाले फ़ोन लीजिए और स्टॉक रोम पर अपडेट कीजिए, कस्टम रोम पर मत कीजिए, वारंटी तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपका जो फ़ोन होगा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको मतलब मन में सवाल हो या सुझाव हो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आप सबके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।